हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टाउन हॉल 12 वर्सेस 12 का बैटल रिप्ले। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये रहा हमारा बेस, इस पर हमने अटैक किया था, इलेक्ट्रिक स्पेल डाल के एक एयर डिफेंस को डाउन किया और साथ साथ एयर स्वीपर को भी और एक लाइटरी को भी डाउन कर लिया। मल्टीप्ले इन्फर्नो नहीं निकला है, दो इलेक्ट्रिक स्पेल बचे हैं, उन्हें किंग के पास वाले डिफेंस पर डेवलप किया था, दो से नहीं निकलेगा कभी भी। साइड में से फनलिंग के लिए इलेक्ट्रो तैयार हो चुके हैं बिल्कुल, फनल क्रिएट लगभग कर लिया, उधर वाला तो अभी जाने वाला है। पीछे से इलेक्ट्रोस की लाइन आ चुकी है और फिर लून्स की लाइन, और अब स्ट्रम स्लेमर और ग्रैंड वार्डन। सिंगल इन्फर्नो, सॉरी मल्टीप्ले इन्फर्नो ने टारगेट करना स्टार्ट कर चुका है, वो एक लून भी डाउन हो चुका है। सिंगल इन्फर्नो ने भी टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, सीसी से निकला है बेबी ड्रैगन। टाउन हॉल पर एक फ्रीज स्पेल डाला, साथ साथ बेबी ड्रैगन को भी फ्रीज किया और वहीं पे ख़त्म भी कर दिया, नथिंग बिग। एक ए डिफेंस को फ्रीज किया लेकिन शायद कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मल्टीप्ल इन्फर्नो के लिए था वो। अब मोस्टली इलेक्ट्रो ड्रैगन्स मरने लगे हैं, ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी यूज़ कर चुके हैं, अभी तक किंग और क्वीन को डेवलप नहीं किया है। मोस्टली सभी इलेक्ट्रोस की हेल्थ डाउन हो चुकी है, बस एक को छोड़कर अभी सभी मर जाएंगे, बिल्कुल सभी। यहाँ पे अटैक आके इम्पॉसिबल सा हो गया था कि मुश्किल है शायद होना, क्योंकि एक एक्सपो बची थी और एक्सपो अगर किंग और क्वीन अच्छे से वर्क ना करे तो आराम से मर सकती है इनको। अब हम क्वीन की एबिलिटी यूज़ कर चुके हैं लेकिन टाइमिंग सारे सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि क्वीन की रेंज इन आर्चर टावर और स्टोरेज के पास होती है, तो ये बाहर से इन्हें तोड़ देगी और तब तक ये वॉल तोड़ेंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहा कि यहाँ पे ये एक्सपो की रेंज में नहीं थी ये वॉल, वरना अटैक ख़त्म हो जाना था। अभी किंग की एबिलिटी भी उसकी आराम से अटैक हो चुका है, 3 स्टार गाइस। तो चलिए गाइस, चलते हैं बेस की तरफ। जैसे कि गाइस, अब अपडेट आया था सीओसी का, उसमें लॉग लॉन्चर आए हैं और मैजिक विजार्ड आया है, एक इनविजिबल न्यू स्पेल आया है। तो स्पेल के चक्कर में स्पेल फैक्ट्री का आ चुका है नया अपग्रेज, वरना अब तक वो बहुत पहले मैक्स हो जाती थी लेकिन कोई अपग्रेज नहीं था। तो गाइस, उसको करने के लिए हमारे पास लूट तो शायद नहीं होगी, लेकिन हम बिना स्पेल फैक्ट्री के रह नहीं सकते, तो हमें करना होगा जुगाड़। चलते हैं लीग मेडल की तरफ, 793 लीग मेडल्स अपने पास हैं, तो हम क्या हैमर ऑफ बिल्डिंग ले लेते हैं गाइस, 120 लीग मेडल्स का। वाव, तो हमने हैमर ऑफ बिल्डिंग ले लिया है गाइस, 1 2 3 नहीं अभी नहीं, एक बार ब्रह्मास्त्र के लिए रिक्वेस्ट कर देते हैं। तो चलिए गाइस, हैमर ऑफ बिल्डिंग से अब कर देते हैं स्पेल फैक्ट्री को अपग्रेज, 3 2 1 गो। इनविजिबल स्पेल हमारा ऑन हो चुका है गाइस, इसमें हम कर चुके हैं इसे अपग्रेज। अब चलते हैं गाइस डीप जाट की तरफ, उसमें भी स्पेल फैक्ट्री अपग्रेज पर लगी हुई है, तो हमें उस पर भी जाकर जैम खर्च करने होंगे अपने, वरना हम बिना जैम के तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बुक हमें मिलती नहीं है। उसी का एक नया छोटा सा अपडेट फिर आया है, जैसे अपडेट में कुछ ग्लिच वगैरह रह जाते हैं तो उसके लिए। ओ गाइस, बुक ऑफ बिल्डिंग मिल रही है,
925 जेम्स मिल रही है, देखते हैं क्या सस्ता पड़ता है हमें। स्पेल फैक्ट्री को डायरेक्ट जैम से करना सस्ता पड़ेगा हमें, नहीं ले रहे भाई हम आपकी बिल्डिंग और कुक, लेकिन देख लेते हैं क्या पता एक बार मैजिक आइटम्स में हो। बुक ऑफ बिल्डिंग नहीं, बुक ऑफ हीरो है, बुक ऑफ फाइटिंग है, लेकिन बुक ऑफ बिल्डिंग नहीं है गाइस, तो हम नहीं यूज़ करने वाले। सो वन टू फ्रेंड एंड गो। तो गाइस इस आईडी में भी हम कर चुके हैं अपने इनविजिबल स्पेल को अनलॉक 826 जेम्स लगाकर। कोई बात नहीं गाइस, अभी तक हमारे पास कोई स्पेल नहीं है आर्मी में, तो हम स्पेल तैयार कर देते हैं। एक फ्रेज रेस और एक और रेस, वही कर देते हैं दोबारा से स्पेल तैयार, क्योंकि ये सुबह से मैंने अपग्रेड पर लगा रखी थी, वीडियो के लिए रुका था मैं। थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।